हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के DAY-88 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट भी चल रहा है BSC अकेडमी। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है हमारा कि देर आर टू मिक्सचर्स एक्स एंड वाई ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मिल्क ए बी एंड सी। एक्स में भी ए बी और सी तीन तरह का मिल्क है और वाई में भी ए बी एंड सी तीन तरह का मिल्क है, ठीक है। अब क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर इज एक्स इज 4:3:1। इसमें 4:3:1 में है, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ द मिल्क इन मिक्सचर वाई इज 5:4:3 में है, ठीक है। यहाँ से बोला और आगे क्या बोल रहा है, 16 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्स, एक्स का 16 लीटर एंड 24 लीटर मिक्सचर ऑफ वाई, वाई का कितना लीटर, 24 लीटर, ठीक है। इज टेकन आउट एंड आर मिक्स टू फॉर्म द थर्ड मिक्सचर जेड। इसको बाहर निकाला गया और क्या किया, मिलाया गया और एक कितना का एक तीसरा मिक्सचर बनाया गया जिसका नाम जेड दिया गया, ठीक है। तो जब भी मिलेगा ए ए के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है क्या, 4:3:7:1:8, यानी 8 का संबंध जब 16 से है तो 1 का मान, यानी यही था ना, ये तीनों मिला के 16 लीटर निकाला, तो 8 का संबंध 16 से, 1 का मान कितना, 2, यानी ये 4 क्या दे देगा, 8 दे देगा, ये 3 क्या देगा, हमें 6 देगा और ये 1 क्या दे देगा, हमारा 2 देगा। यानी कि ए वाला हम लोग लिए होंगे 8 लीटर, बी वाली मिल्क हम लोगों ने ली होगी 6 लीटर और सी वाली मिल्क ली होगी 2 लीटर। सेम है यहाँ पे भी, 4:3:7:7:5 कितना, 12, यानी 12 यूनिट का संबंध 24 से, तो एक का मान क्या देगा, हमें 2 देगा। फिर उसी तरीके से एक का मान जब 2 दे दिया हमारा यहाँ पे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 10, यहाँ से 4 दूना हमारा 8, 3 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब देखो जब दूध हमारा अलग अलग हो गया तो इसे जब मैं मिक्स करूँगा एक मिक्सचर जेड के लिए, तो जेड में जो है हमारा ए की मात्रा क्या होगी, 8+10 यानी कि कितना, 18 लीटर। बी कितना हो जाएगा हमारा, 6+8 यानी कि 14 लीटर, ठीक है। और सी में हमारा क्या हो जाएगा, 2 लीटर एंड 6 लीटर, यानी कि सी में हमारा हो जाएगा 8 लीटर, ठीक है। यानी जेड में ए बी सी जो है इसी रेशियो में रहेगा। अब आगे सवाल में क्या बोला है, फर्दर 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर जेड इज टेकन आउट। जेड का 8 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया जाता है एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, और उसमें 8 लीटर क्या किया, मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल लिक्विड्स विच इज ए बी सी एंड वाटर प्रेजेंट इन द फाइनल मिक्सचर रिस्पेक्टिवली। रेशियो निकालना है मुझे, किसका किसका रेशियो निकालना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो एंड वॉट, वाटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। कब, जब 8 लीटर मिक्सचर निकालेंगे और 8 लीटर हम क्या निकाल मिला देंगे, पानी मिला देंगे। देखो सिर्फ एक का हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर सारा अपने आप ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। जब 8 लीटर इसे मैं जब रेशियो में लिखूंगा, 18, 14 एंड 8, ठीक है। इसको आप चाहे ऐसे भी रहने दो चाहे चेंज भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 8 लीटर आप जो निकालोगे वो आप इसी का ना 8 लीटर निकालने वाले हो, इसी रेशियो का ना 8 लीटर निकालोगे। यानी 8 लीटर में ए से कितना निकलेगा, सबसे पहले ये निकालो, देखो 8 गुने में, ठीक है, 8 लीटर निकालना है, कितना का फ्रैक्शन क्या है इसका, 18, और बटा में क्या हो जाएगा, 18 4 14 32, और यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो 40, ठीक है। आप इसे रेशियो में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया 8×18/40, ये 8×18/40 क्या हो गया, 8 लीटर में निकला हुआ भाग ए का, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं 8 यहाँ पे लिया हूँ, उसी तरीके से जब 18 लिया यहाँ पे, तो अगला बार अगर बी का निकालना हो, यानी क्या, 14/40, फिर सी का निकालना रहेगा तो क्या होगा, 8/40, 8 का ही, ठीक है। तो जब निकाले तो निकालने के बाद जो बचा ए में वो कितना बचा हमारा, देखो तो पहले था 18, निकाल रहे हैं हम कितना, 8×18/40। अगर यही चीज़ हमको बी निकाल बी के लिए बोलता, ये तो हो गया ए के लिए, यही चीज़ अगर हमको बी के लिए निकालने के लिए बोलता तो बी में 8 लीटर में कैसे निकलता, 8×14 और बटा में टोटल में कितना, 40, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि क्या निकल रहा है, और इसे तुरंत इंस्टेंट काट नहीं देना, यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ आसानी से कट जाएगा, लेकिन इंस्टेंट काटना नहीं है, कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखो इसमें आगे आप क्या करना है, यहाँ पे 18 18 दिख रहा है कॉमन हो जाएगा, 8 से ये काट दो यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। जब 18 18 कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 1-1/5, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 18 गुना में कितना, 4/5, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना है, एकदम गुना नहीं करना है।
18 गुना में कितना, 4 बटा 5। ये 1 माइनस 1 बटा 5 तो हर एक इसी में आने वाला है, यानी बी के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं क्या 14 गुना में कितना, 4 बटा 5। उसी तरीके से हम लोग सी के लिए भी लिख सकते हैं क्या 8 गुना में कितना, 4 बटा 5। ठीक है, ये क्या निकल रहा है 18 यहाँ पे 14 यहाँ पे सी, ये क्या निकल रहा है 8 लीटर। जब आप मिक्सर निकाले उसके बाद जो क्वांटिटी बच रही है उसका वैल्यू ये दे रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ए बी और सी डब्ल्यू का रेशियो। ए हमारा कितना आया था 18 × 4/5, बी हमारा कितना आया था यहाँ से 14 × 4/5, सी हमारा यहाँ से कितना आया था 8 × 4/5। अब बारी वाटर की, 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो डालेंगे भी कितना, 8 लीटर ही वाटर डालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये 8 लीटर। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 से 4 और यहाँ से 4 दो बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 से यहाँ से कितना बार में, 4 बार में, यहाँ 7 बार में, यहाँ कितना बार में, 9 बार में, ये सारा 5 है, एक 5 इधर चला जाएगा, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा 9:7:4 और रेशियो कितना 5, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 9:7:4:5। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।